हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्लास 11 का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। पिछली कुछ वीडियोस में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री सीखी, आज आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में प्लस का रहेगा, किस में माइनस का रहेगा और कैसे वो बिहेव करेगा। आज हम आगे बढ़ेंगे। जैसे 10th क्लास में हमने सीखा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। आज उन चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे तो हम आगे वाले एंगल कौन कौन से होंगे बच्चों हमारे पास, वहाँ सिर्फ 90 था, आज होंगे 90, 180, 270 और 360। बच्चों देखिए, ये दोनों एक तरह से होंगे, इसका हमारे पास अब पाई रेडियन है, ये है पाई बाई टू, ये है 3π/2। और बच्चों ये हमारे पास एक तरह से काम करेंगे, ये होगा पाई और ये है 2π। तो बच्चों देखिए, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री थ्योरी यहाँ काम करते हैं। तो आपको करना क्या, देखिए जब माइनस प्लस थीटा होगा तो ये जो दो एंगल है पाई बाई टू और 3π/2 यानी कि 90 और 270, इन दोनों पर फंक्शन चेंज हो जाएगा और जो पाई और 2π है इन पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, वैसा ही रहेगा। यानी कि जब पाई के साथ नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई, यानी कि पाई है, 2π है, 3π है, 3π है, 4π है, 5π है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर 1/2, 3/2, 5/2 इस तरह से मल्टीप्लाई है उनके साथ तो फंक्शन चेंज होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइन थीटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ और एक टेबुलर फॉर्म में बना देता हूँ। बच्चों मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से हिंट दूंगा, समझाऊंगा, आप अपने पास से जो है प्रैक्टिस करेंगे। पाई बाई टू माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो पाई बाई टू से चेंज हो जाएगा, कोस में चला जाएगा। अब पाई बाई टू माइनस थीटा, जो थीटा है वो एक्यूट एंगल होगा, 90 से छोटा होगा, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि साइन जो है किसमें चला गया, कॉस। आगे जो है क्या है, कॉस थीटा। पाई बाई टू माइनस थीटा ये चेंज होगा, यानी कि साइन थीटा गया फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये प्लस के चलते रहेंगे। आगे बच्चों टेन थीटा, इसी तरह से पाई बाई टू की वजह से ये चेंज हो गया और ये हो गया कोट थीटा। जो आपका कोट थीटा है वो चला जाएगा बेटा किस में, टेन थीटा। जो सीकेंट थीटा है वो किस में चला जाएगा, कोसिकेंट थीटा में। और जो बच्चों आपका कोसिकेंट थीटा है वो किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंट थीटा में। तो यहाँ तक तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये आपका वही है जो 10th क्लास में हमने सीखा था, यानी कि 90 माइनस थीटा। देखो बच्चों, अब आपको जो है पाई की आदत हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला हम लेते हैं पाई बाई टू प्लस थीटा, ये हमने 10th क्लास में नहीं सीखा था, 90 प्लस थीटा। देखिए बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, ये लाइन बाद में लगा लेंगे ताकि लिखने की जगह की कमी ना रहे हमारे पास। तो साइन है, देखो बेटा चेंज होगा 90 प्लस थीटा पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू पे चेंज होगा तो ये साइन से क्या हो जाएगा, कोस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड में जो साइन, देखिए जो पहले था उसका देखना है हमें, साइन जो है वो प्लस का होता है तो ये प्लस का ही रहेगा, कोस चेंज होकर बेटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा। लेकिन कोस, अब कई बच्चे कंफ्यूज कहा होते हैं कि सर आपने यहाँ कोस का सिंबल देखा है तो साइन है, बेटा साइन बना है चेंज होकर, जो पहले था कोस, ये देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो ये हो जाएगा माइनस, टेन बदल के चला जाएगा किस में, कोट थीटा में, पाई बाई टू पे और 3π/2 पे चेंज होता रहेगा कोट में, और वही सेकेंड क्वाड्रेंट तो ये भी माइनस। इसी तरह से कोट चेंज होकर किस में चला जाएगा, टेन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट ये भी माइनस, सेकेंड चेंज होकर किस में चला जाएगा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड में सेकेंड जो है वो माइनस होता है तो ये भी माइनस हो जाएगा, कोसेकेंट थीटा है ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, सेकेंट थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसेकेंट प्लस का होता है इसलिए प्लस है। आगे बढ़ते हैं बेटा पाई माइनस थीटा यानी कि 180 माइनस थीटा। देखिए बच्चों हमने कहा था 180 पर 360 पर चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन थीटा, 180 180 से कम वैल्यू होगी, सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि प्लस का ही रहेगा, कोस भी चेंज नहीं होगा, कोस थीटा आ गया, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट है तो ये माइनस का हो जाएगा।
आप कहेंगे कि सर 180 से 100 घटा दिया तो फर्स्ट में चला गया, नहीं बच्चे नहीं घटेगा, थीटा जो है एक्यूट एंगल है 90 से छोटा है। इसी तरह से जो 10 थीटा है वो लेके किस में जाएगा, कोट में, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट चल रहा है, कोट भी माइनस होता है तो माइनस होगा और चेंज नहीं होगा, 180 पे चल रहा था तो ये रहा आपका 10 थीटा, क्या रहा 10 थीटा, और इसी तरह से ये भी आपका क्या रहेगा कोट थीटा। सेकेंड, तो सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड का सेकेंड ही रहना है, सेकेंड क्वाड्रेंट उसी तरह से तो ये भी माइनस रहना है, कोसेकेंट का क्या हो जाएगा, कोसेकेंट थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट ये आपका प्लस का रहेगा। अगले पर आते हैं बच्चों, ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा यानी कि 180 प्लस थीटा, 180 प्लस बेटा चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा लेकिन 180 में कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, जुड़ा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया और थर्ड में साइन माइनस का होता है तो माइनस। इसी तरह से जो है आपका कोस भी चेंज नहीं होगा लेकिन माइनस जरूर आएगा, 10 थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस का होता है तो ये आ जाएगा 10 थीटा। इसी तरह से बच्चों कोट, तो ये आएगा कोट थीटा। सीकेंट, सीकेंट बदलेगा नहीं, सीकेंट थीटा ही रहेगा लेकिन बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में जा चुके हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जा चुके हैं तो माइनस है सेकेंड तो इसका आगे माइनस लग जाएगा, और इसी तरह से बच्चों कोसेकेंट के आगे माइनस लग जाएगा यानी कि कोसेकेंट थीटा। अगला है 3π/2 माइनस थीटा यानी कि 270 माइनस थीटा। बच्चों बदलेगा, चेंज होगा क्योंकि 270 आ गया है तो चेंज होके ये हो गया कोस थीटा, कोस थीटा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन माइनस का होता है इसलिए इसके आगे माइनस है, कोस का माइनस तो होगा ही थर्ड क्वाड्रेंट है और बदल के क्या बन जाएगा साइन थीटा, थर्ड में 10 का बदल के बन जाएगा कोट थीटा लेकिन माइनस नहीं होगा क्योंकि थर्ड में जो 10 है वो प्लस का होता है, और इसी तरह से कोट भी बदल के 10 में चला जाएगा लेकिन माइनस नहीं होगा। इसी तरह से सीकेंट, सीकेंट जो है बदल के किस में चला जाएगा कोसेकेंट, ये जरूर माइनस होगा क्योंकि कोसेकेंट जो है थर्ड में माइनस होता है, और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा माइनस का सेकेंड थीटा। अगला आता है बेटा 3π/2 प्लस थीटा यानी कि 270 प्लस थीटा। बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, फंक्शन तो चेंज होगा, चेंज होगा तो साइन का तो क्या आ गया, साइन का आ गया बच्चों कोस, और क्वाड्रेंट कौन सा है फोर्थ, फोर्थ में साइन होता है माइनस का तो ये माइनस जरूर आएगा, सॉरी हाँ चेंज होगा बेटा 270 ना चेंज होगा तो माइनस आ गया। इसी तरह से कोस भी चेंज होके क्या हो गया साइन, और क्वाड्रेंट कौन सा है 270 प्लस फोर्थ, फोर्थ में कोस प्लस का होता है तो प्लस का आ जाएगा। इसी तरह से जो 10 है वो बदल के आ जाएगा माइनस का कोट क्योंकि फोर्थ में ये माइनस होता है, ये भी माइनस होता है तो ये बदल के क्या आ जाएगा माइनस 10 थीटा। सीकेंट भी बदलेगा और बदल के ये क्या हो जाएगा कोसेकेंट थीटा लेकिन ये प्लस का रहेगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट भी प्लस का होता है। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि सर कौन सा कहां प्लस माइनस है वो पिछली वीडियो में जाएं और देखें कि किस क्वाड्रेंट में कौन प्लस है कौन माइनस है, उस हिसाब से प्लस माइनस चल रहा है। कोसेकेंट बदल के क्या हो जाएगा सीकेंट थीटा, और कोसेकेंट तो जो है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर माइनस का होता है तो ये माइनस हो जाएगा। बेटा अगले पर आते हैं, अगला बनेगा 2π माइनस थीटा यानी कि 360 माइनस थीटा। तो 360 पर चेंज नहीं होना, साइन का साइन ही रहेगा लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस आ गया, कोस का कोस रहेगा और कोस फोर्थ में प्लस का होता है तो सिंबल चेंज माइनस नहीं आएगा प्लस ही रहेगा, 10 का चेंज नहीं होगा लेकिन माइनस जरूर आया क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी माइनस का होता है, कोट भी माइनस का होता है तो माइनस का कोट थीटा आएगा। जो सीकेंट है वो बदलेगा नहीं 2π पर, एज इट इज सीकेंट थीटा रहेगा और सिंबल प्लस का रहेगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट प्लस का होता है, और इसी तरह से जो कोसेकेंट है वो बदलेगा नहीं, कोसेकेंट का कोसेकेंट ही रहेगा लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए आगे माइनस आ जाएगा। बच्चों अगला है आपका 2π प्लस थीटा, तो क्वाड्रेंट थ्योरी में हमने सीखा था कि घूम के वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया ये, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस और कोई चेंज होगा नहीं, तो जो साइन है
वो साइन थीटा हो जाएगा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, ये कोट थीटा, ये सीकेंट थीटा, ये कोसिकेंट थीटा। ये कि सर कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में प्लस होगा, किस में माइनस होगा, ये हमें क्या पता। इसके लिए बच्चों जो पिछली वीडियोस हमने शूट की हैं उनमें आप #3 नाम की जो वीडियो है उसमें देखिए, उसमें पूरे डिटेल से हमने यही समझा रखा है कि कौन कहाँ प्लस का होगा और कौन कहाँ माइनस का होगा, और उसके पीछे रीजन क्यों है, कि रीजन क्या है कि ये प्लस माइनस यहाँ होंगे, उन प्लस माइनस के कंसेप्ट्स को यहाँ पे लगाया गया है। इन दोनों पर तो फंक्शन चेंज हो नहीं रहे हैं, इन दोनों पर चेंज होंगे और प्लस माइनस उस बेसिस पर लगेंगे। तो बच्चों बड़े ध्यान से आपको इस वीडियो को समझना है, समझने के बाद आपको अपनी टेबल खुद बनानी है बगैर निकल किए, और फिर टेबल को मैच करना है, और जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो आप हमसे पूछिएगा, जरूर पूछिएगा, आप उसको डाउट के तौर पर पूछिएगा।